एक अब्सेसेंस मैं ख़त्म करती हूँ और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जी यहाँ पर हो रही है बर्थ छिकाई, और जैसे मैंने बताया कि ये वाली वीडियो बहुत पहले की है, लॉकडाउन और कोविड जब बहुत ज़्यादा बढ़ा था उसके पहले की है। बीच में मैं 15-20 दिन बीमार थी, जब से मैंने कोई भी ब्लॉगिंग नहीं की थी। एक दिन मेरी DIY और एक दिन मेरा ब्लॉग गया था, तो ये सारा सामान वहीं से आया हुआ है और इसी रीज़न से वीडियो ये लेट हो चुकी है। और अभी मैं आ चुकी हूँ मेरे ससुराल में, तो मैं वहीं से वीडियो एडिट कर रही हूँ। और अभी मैं कुछ दिन हुआ आई हूँ, लेकिन वीडियो मैं नहीं शूट कर रही, क्योंकि मैं सोची पहले सारी वीडियो चली जाए फिर ताज़ा वीडियो शूट करूँगी। तो यहाँ पर आए हुए हैं बरछकाई करने मेरे देवर जी हैं, उनकी बरछकाई हो रही है। तो वही बरछकाई बोल सकते हो, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग भाषा बोलते हैं वो। बस यहाँ पर वही बरछकाई हो रही है, तो आप लोग प्लीज़ बैड कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि अभी की वीडियो नहीं है। सो चलो अब आप लोग थोड़ी सी रियल वॉइस सुनो और इन्जॉय करो। ओम मालिका की विश्वकर्मी में अनुदान हुआ प्रभो में अनुदान विश्वानी जहाँ परमेश्वर ओम भू भुव सर्वम भूमि नम पुष्पम ओम ओम वनस्पति सो दोनों गंधार जो कर लोग तुम मार या सब देवानं भूपम पृथ्वी तमं भू भुव सर्वम भूमि नम भूपम दर्शयामि ओम कपूर गरम कपूरता निशंसार शाम बुद्धिंद्र आरम शिवाल शिवम रुद्यार गिंदे भगवानी सुनाओ बड़ा बने हरि अनुसार अंदर है ना मतलब की हाजी अगर बात है सब पुराने आ गए बस यहाँ पर जब भी कोई गांव में फंक्शन होता है, कोई भी शुभ काम होता है, बरछकाई, कुद भराई, तिलक, कोई भी मतलब त्यौहार होता है, तो यहाँ पर इसी तरीके से गाना गाया जाता है। सभी घर की महिलाएं अभी औरतें मिलकर गाना गाती हैं, और सभी घर की मतलब अपने जो पट्टीदार की जिसको बोलते हैं घर की, वही सब लोग लेडीज़ थी, तो वही हम आए हुए थे और देवर जी की बरछकाई थी। सो आना ही आना था, और मेरी तो वैसे भी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर फ़ोन आया अचानक से, तो आना पड़ा मुझे। और आने तो वैसे यही वाले थे कि, लेकिन प्लानिंग मेरी कोई नहीं थी। सो यहाँ पर
सो यहाँ पर ये देखिए सारी रस्में हो चुकी हैं और ये कुछ मतलब पंडित जी ने दिया है। तो ये हैं चाचा जी हमारे जो देवर जी के पापा हैं, उनको देंगे ये देकर पैर छूंगे। और जो कुछ भी वहाँ से आया हुआ है वो सब कुछ मतलब थोड़ा थोड़ा करके शायद दिया जाता है, मुझे उतना नहीं पता, जितना मैं देख रही हूँ उतना मैं भी आप लोगों को बता रही हूँ। और ये भी जो चीज़ें हैं वहीं से आई हुई हैं इनके ससुराल से देवर जी की। और ये देखिए आप देख सकते हो मिठाई वगैरह थोड़ी थोड़ी चीज़ें मतलब शायद दी जा रही है। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ छत के पीछे यानी कि छत पर हूँ। और अभी ये जो है शायद मेरे ख्याल से मतलब कि देवर जी की वाइफ के भाई हैं शायद, अंदाज़ा लगा के बता रही हूँ शायद। तो वो मिठाई खिलाने की रस्म हो रही है। तो अभी ये मेरे ख्याल से अगर भाई हैं तो जीजा जी ही लगे अपने जीजा जी को मिठाई खिला रहे हैं। और इसके बाद फिर मिठाई खिलाने के बाद सारी रस्में लगभग हो चुकी हैं। अब शायद पानी पिलाया जाएगा, उससे पहले ये अपने साले जी को मिठाई खिला रहे हैं। वैसे मेरे ख्याल से साला जीजा है ना, जीजा ही थे ना, तो वो बस वही है पानी पिला रहे हैं। और इसके बाद ये सबका पैर छूएंगे क्योंकि जो रस्में थी वो सब कुछ हो चुका है। और इनको भी उन्होंने पानी दिया दिलीप ने, देवर जी ने। तो अब इसके बाद सारी देखिए रस्में हो चुकी हैं। शायद अब क्या है पान खिलाने की रस्में मैं खुद मुझे याद नहीं है। तो अभी पान खिलाने की रस्म हो रही है। और अब शायद नहीं माला पहनाया जाएगा, हर चीज़ में शायद कर रही हूँ क्योंकि उतना याद नहीं है। बहुत दिन की वीडियो थी और एडिट कर रही हूँ तो ध्यान से भी बिल्कुल उतरा हुआ है। तो पहले माला पहना रहे हैं, पहले भाई पहनाए माला फिर बाद में बहन पहनाए, है ना, अच्छा बढ़िया रिवाज है। शादी से पहले भाई पहना, शादी से पहले वाइफ से पहले भाई पहना ले माला। हाँ मम्मी, तो बस यहाँ पर ये देखिए अब यहाँ पे गले मिलने वाली रस्म हो रही है। काफ़ी अच्छा लगता है ना ये सारा ये पैर छू रहे हैं। और इसके बाद एक माला पंडित जी ने रखी है, क्यों पता नहीं, मुझे लगा था कि शायद ये भी पहनाएंगे। और अभी भी थोड़ी बहुत जो रस्म होनी है वो हो रही है। और ये माला क्या करते हैं, हाँ ये माला शायद भगवान जी को चढ़ाया जाता है क्या, हाँ तो ये माला भगवान जी को चढ़ाया जाएगा, मतलब जहाँ पर पूजा हुई है उन्हीं को अर्पित किया जाएगा, चढ़ाया जाएगा। तो ये देखिए ये वाला माला भगवान जी को चढ़ा दिया गया है। और इसके बाद क्या कहते हैं, सब कुछ सारी रस्में हो चुकी हैं। और यहाँ पर जो भी औरतें आती हैं वो गेहूँ में कटोरी में गेहूँ लेकर आती हैं। तो वो गेहूँ वहाँ पर आप देख सकते हो पलटा हुआ है। और अब देवर जी पूरे जितने थे बड़े सबसे आशीर्वाद ले रहे हैं। और उसके बाद फिर जी हाँ सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे और खाना पीना है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं घर चली गई थी और खाना हमारा पैक होके आ गया था, इलाहाबाद लेके गए थे क्योंकि मैं अगर सफ़र करके खाना खा के सफ़र करती हूँ सो वोमिटिंग हो जाती है। तो चलो अभी मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ घर पहुँच कर, ठीक है। और हम घर आ चुके हैं, हमारे नटखट को देखे, नटखट बाबू चूल्हा बैठोगे क्या, बाबू चूल्हा बैठोगे क्या, जब बाबू छोटी थी तो चूल्हा बैठ गई थी। सो अभी अभी हम घर आए हैं, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी लगभग 4 बार बज रहे हैं। और अभी इसके बाद हम लोग खाना पीना खाएंगे और फिर निकल जाएंगे हमारे प्रयागराज के लिए क्योंकि इनको कल कुछ काम है और जाना ही जाना है। सो चलिए अब, और बाबू की ये देखिए मस्ती चल रही है। सो बस हमने कहा चलो आप लोगों को बता दे। और आज मैंने ब्लू वाली साड़ी पहनी है, इस तरह की है, मैं आप लोगों को दिखा भी नहीं पाई जल्दी जल्दी में। सो चलिए अभी थोड़ी देर में आप लोगों से मिलूंगी, ठीक है। सो गाइस अभी बैठे हुए हैं हम बाहर और अभी मेरा मन है जी हाँ चाय पीने का। तो अभी आज तो मैं बनाऊंगी नहीं क्योंकि आज मैं एक दिन की मेहमान हूँ, सो मैं नहीं बनाऊंगी। अभी मैं अंजू को ही बोलूंगी और अंजू से कहूंगी कि वही चाय बना के पिलाए मुझे। और अंजू तो बस, और चाची और अंजू सबका कॉम वॉम हो रहा है। अंजू चाय पिलाओगी क्या, चाय बनाओगी क्या, चाय देख लो, चाय नहीं बना रही, कह रही दूध नहीं है मजाक कर रहे हैं, सही में दूध नहीं है।
तो मुझे तो पता ही नहीं था क्योंकि गाय भैंस जो है वो तो घर में लगती है। तो बता रही हैं कि जो हमारे देवर जी हैं तो गांव में ऐसा होता है ना कि अगर किसी एक के यहाँ प्रोग्राम होता है तो जितने अपने खास होते हैं या परिवार के होते हैं वो सब लोग मिलकर एक दूसरे को दूध देते हैं ताकि मतलब कि हो सके। और जैसे वहाँ पर रहता तो हमें लेना पड़ता, लेकिन यहाँ पे ये बहुत अच्छी आदत है कि सब लोग मिलजुल के सारी चीज़ें करते हैं। तो बस वही है, तो अभी जब शाम होगी तभी अब चाय मिलेगी। तो चलो आप लोग उससे जी यहाँ थोड़ी देर में मिलते हैं। तो गुड 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 गुड, ये महाशय देखो लेट गए हैं और जब तक इनकी मम्मा नहीं उठाएंगे जब तक नहीं उठेंगे। अभी देखना बाबू गिर गए हो क्या, बाबू गिर गए हो क्या, बाबू गिर गए हो क्या। अरे कैसे उड़ गया भाई, ये कैसे उड़ गया है, कहाँ कहाँ कहाँ, ये देखो भाई ये है मेरा छोना बाबू, ये है मेरा छोना बाबू, कौन है भाई छोना बाबू, छोना बाबू, छोना बाबू, देखो चल ले रहे हैं, इनको शौक लगी है बकैया चलने को। हाँ देख लो देख लो ड्रामा, देखो ड्रामा इनका ड्रामा, ये ड्रामेबाज, ये देख अब लाला बाबा बीमार तुम जाओ उठाओ उसको। निर्मा साबू चीका ही खूब गादे कर रहे ये बाबू ड्रामा, हाँ गिर गया क्या बाबू, क्या हुआ, कौन नहीं उठा रहा है, मम्मा नहीं उठा रही है, मम्मा नहीं उठा रही है क्या, देखो कैमरा देखा उठ जाएगा, उठ जाओ बेटा उठ जाओ, उठ जाइए माखन के बीज को बना लेना, उठ जाइए बेटा उठ जाइए उठ जाइए, जल्दी से उठिए, उठ जाइए, देखो देखो अब तुम आई हो ना आप देखना लेट जाओ, बाबू गिर जाओ मम्मा आ गई, बाबू मम्मा आ गई, गिर जाओ जल्दी से, मम्मा आ गई ये, हाँ गिर जाओ गिर जाओ, हाँ बाबा गिर जाओ, वो दुलार दिखा रहा है, बच्चे प्यार दिखाते हैं कभी कभी इसीलिए, ये बाबू भागा 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 भागा, ओ त्री जल्दी से भागा, ये आखी मूंद के आखी बाबू आखी मूंद लो, आखी मूंद क्या है बढ़िया, आखी मूंद के कहीं आखी मूंद, बस 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 गिर जाओगे बाबू, आखी मूंद के नहीं, गंदी बात, मामा गंदा नहीं सिखाए, गिर जाएगा नहीं सिखाए, ये बंद किया कर, ए बेटा सल्ले रखो मेरी सल्ले रखो, सो गाइस अभी हम आए हैं छत पे और आप लोगों को छत का लुक दिखाती हूँ, कहीं पर भी जगह नहीं है, हम बैठने आए थे बोरा वोरा लेकर अंजू के साथ, तो कहाँ बताएं, और ये देखिए चारों तरफ गेहूँ 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 गेहूँ, और इधर भी गेहूँ और इधर भी गेहूँ, सब तरफ गेहूँ है, और ये है महुआ है ना, महुआ है ना, और ये है महुआ, तो हम आए हुए थे छत पे बैठने के लिए लेकिन कहीं जगह नहीं दिख रही है ना, कहाँ चले, यहीं बैठे क्या, धूप भी लगी तो कहाँ चले, धूप नहीं है वैसे, धूप नहीं है, यहीं बैठते हैं, सो यहीं पर हम बैठते हैं, सो अभी हम यहाँ पे बैठ रहे हैं और अभी धूप है यहाँ पे क्योंकि धूप बहुत जोरों वाली है, और बैठते हैं थोड़ी देर इंजॉय करते हैं फिर उसके बाद चलेंगे नीचे, और लिप की हालत कैसी हो गई है, सुबह की मैंने लिपस्टिक लगाई थी, पता नहीं कैसे ब्लर ब्लर दिख रहा है, अब सही दिख रहा है, सो चलो थोड़ी देर में आप लोगों से मिलते हैं, तब तक हम लोग छत का इंजॉय करते हैं, ठीक है, देते हैं इस ब्लॉग का एंड, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।